महासचिव है, प्रवक्ता है, गरीब का सपोर्ट थोड़ी करता। बिहार में एक तरफ जहां 2024 की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में आरजेडी के सदस्य मनोज झा के ठाकुर वाले कविता के बाद पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में सियासी संग्राम मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ 29 सितंबर को जब पूर्व सांसद आनंद मोहन सहरसा व्यवहार न्यायालय पहुंचे तो मीडिया ने सवाल किया कि लालू प्रसाद यादव ने मनोज झा के बयान का समर्थन किया है। इस पर आनंद मोहन ने जवाब देते हुए कहा कि अच्छी बात है, वो उनके महासचिव और प्रवक्ता हैं, तो सपोर्ट करेंगे ही, गरीब का सपोर्ट कोई थोड़े ही करता है। सर लालू जी सपोर्ट किए हैं उनको, मनोज झा अच्छी बात है, उनके महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं, गरीब का सपोर्ट थोड़े करता है। बता दें कि इससे पहले पूर्व सांसद आनंद मोहन राज्यसभा सदस्य मनोज झा पर जमकर बरसे थे। उन्होंने कहा था कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने कैसे ठाकुरों पर अनाप शनाप बोल दिया। वो जो कविता का पाठ लोकतंत्र के मंदिर संसद में पढ़ रहे थे, उस कविता में अंदर के ठाकुरों को मारने का कहीं जिक्र नहीं है। मैं संसद में रहता तो उनका जीप खींच कर आसन की ओर उछाल देता। वहीं इस मुद्दे पर पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने खुलकर मनोज झा के बयान की निंदा की थी। चेतन आनंद आरजेडी से विधायक हैं। वहीं चेतन आनंद के विरोध पर आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि उसको अकल नहीं है। आनंद मोहन पूरा विरोध कर रहे हैं आप लोग का, चेतन आनंद ने भी विरोध जताया आपके पार्टी से, विधायक भी हम लोग का समाज का अपमान हुआ। कोई समाज का अपमान नहीं हुआ है, सब चेतन आनंद आपके पार्टी से विधायक है, उन्होंने भी विरोध किया है, क्या कहेंगे? पार्टी में हम अपनी बात रखेंगे, उतना ही बुद्धि है तो क्या कहा जा रहा है।